तो दोस्तों अभी जो आपने 3D के अंदर फ्रंट एलिवेशन देखा था उसी का ही मैं आपको प्लान बताने जा रहा हूँ। तो अगर बात करते हैं हमारी मकान की साइज की, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास मकान की चौड़ाई है वो हमारे पास रहेगी 35 फिट, और अगर बात करते हैं हमारी मकान की लंबाई की यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 38, मतलब कि 38 फिट हमारे पास मकान की लंबाई है। तो 35 × 38 हमारे पास मकान का एरिया हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर 7 फिट बाई 8 फिट का ये हमारा अलग से पोर्च रहेगा। सामने और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। गांव के अंदर ये हमारा मकान बन रहा है। और ये हमारा अभी जो दिखा रहा हूँ ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान है, इसके बाद में आपको इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर 7 फिट बाई 8 फिट का ये हमारा पोर्च है, और पोर्च के जैसे सामने हमारा घर का मेन डोर है 4 फिट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरफ एंटर करते हैं तो ये हमारे पास आता है बड़ा सा ड्राइंग रूम, जिसकी हमारे पास आई है 13 फिट बाई 16 फिट है। 13 फिट यहाँ से लेके यहाँ तक है और 16 फिट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बड़ा सा ड्राइंग रूम है, जिसकी एक 4 फिट की विंडो सामने निकल रही है और एक 5 फिट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। ड्राइंग रूम से बाहर आता तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फिट का दरवाजा, ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 12 फिट, जिसकी एक 4 फिट की विंडो सामने और एक 4 फिट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर निकल रही है। किचन से बाहर आता तो यहाँ पर देखिए दोस्तों डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर हमारा स्टेयर केस है, और डाइनिंग और लिविंग एरिया इसकी हमारे पास साइज है 12 फिट बाई 19 फिट, 12 फिट यहाँ से लेके यहाँ तक और 19 फिट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास रहेगा डाइनिंग और लिविंग एरिया। और यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 3.5 फिट बाई 3.5 फिट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा, और यहाँ पर हमारी 3 फिट की बड़ी ग्लास की विंडो लग जाएगी, और ये हमारा इतना सा जो एरिया वो हमारे पास रहेगा डुप्लेक्स। अब इससे डाइनिंग और लिविंग एरिया आगे चलते थे, यहाँ पर देखिए 3.5 फिट का दरवाजा, ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फिट बाई 12 फिट, जिसकी एक 4 फिट की विंडो दक्षिण दिशा के अंदर, एक 4 फिट की विंडो पीछे पश्चिम दिशा के अंदर निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते थे यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास है कॉमन वेस है वो एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 4.5 फिट बाई 6 फिट, और कॉमन वे वो एरिया सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 2.5 फिट का दरवाजा, कॉमन टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फिट बाई 7 फिट, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन पीछे पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। तो यहाँ पर कॉमन टॉयलेट हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन रखने के लिए यहाँ पर जगह हो जाएगी, और या हाथ वगैरह धोने के लिए आप यहाँ पर वॉश बेसिन भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फिट का दरवाजा, और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फिट बाई 13 फिट, जिसकी एक 4 फिट की विंडो पीछे और एक 4 फिट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते थे यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारे पास है पूजा घर, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फिट बाई 7 फिट, जिसका 3 फिट की विंडो हमारी उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको उसको एक साथ दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान, 35 फिट हमारे पास मकान की चौड़ाई रहेगी, 38 फिट हमारे पास मकान की लंबाई रहेगी यहाँ तक, और 7 फिट बाई 8 फिट का ये अलग से हमारा पोर्च रहेगा। ये रहेगा हमारा घर का मेन डोर, मेन डोर से एंटर करते हैं यहाँ पर बड़ा सा ड्राइंग रूम रहेगा, इस तरफ आके आते हैं तो डाइनिंग और लिविंग एरिया, और यहाँ पर डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर स्टेयरकेस, ये हमारे पास रहेगा किचन, यहाँ पर बेडरूम, ये कॉमन टॉयलेट, कॉमन वॉश एरिया, बेडरूम, और ये हमारा पूजा घर। तो ये है दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर का प्लान। तो चलिए अब मैं आपको इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर का प्लान, हम स्टेयरकेस के माध्यम से यहाँ पर लैंड होंगे। तो लैंड होते ही यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो नीचे हमारा बेडरूम था उसकी जगह बेडरूम है, कॉमन टॉयलेट की जगह कॉमन टॉयलेट है, कॉमन वॉश एरिया की जगह कॉमन वॉश एरिया है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर हमने यहाँ पर से पूजा रूम हटा दिया और इस बेडरूम को आगे कर दिया है, और इस बेडरूम की हमने साइज दे दिया 13 फिट बाई 13 फिट, यहाँ पर इसका 3.5 फिट का दरवाजा है और इसकी 4 फिट की विंडो उत्तर दिशा के अंदर निकल रही है, और इस बेडरूम का अटैच के अंदर यहाँ पर हमने देखिए ड्रेसिंग दे दिया 5.5 फिट बाई 5 फिट 3 इंच का, और इसी के साथ यहाँ पर 2.5 फिट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट दे दिया, जिसके हमारे पास साइज है 7 फिट बाई 5 फिट 3 इंच, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन पीछे पश्चिम दिशा के अंदर निकल रहा है। तो यहाँ पर ऊपर हमारे फर्स्ट फ्लोर पर पूजा करके जरूरत नहीं है, तो वो हमने यहाँ पर हटा दिया, और बाकी जो हमारा नीचे ड्राइंग रूम था वो सेम हमारे पास 13 फिट बाई 16 फिट का हमारा बेडरूम हो जाएगा, और यहाँ पर जो किचन था 10 बाई 12 का ये हमारे पास ऊपर बेडरूम हो जाएगा, बाकी पोर्च की जगह हमारा पोर्च रहेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने ज़्यादा कुछ फर्स्ट फ्लोर पे चेंज नहीं किया, बाकी ये सारी चीज़ें सेम है। यहाँ से पूजा रूम को हटाकर बेडरूम को आगे कर दिया और पीछे की साइड इसके अटैच टॉयलेट कर दिया, ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पे इतना सा चेंज है। और 4 बेडरूम हमारे पास है फर्स्ट फ्लोर पर, और 2 टॉयलेट है, और नीचे हमारे पास 2 बेडरूम है और 1 टॉयलेट है, और इस टाइप से हमारा डिजाइन है। ये सामने आपका पोर्च रह जाएगा बैठने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर। तो चलिए दोस्तों अगर ये डिजाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज इस डिजाइन के अंदर इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।